अस्सलाम वालेकुम नया पाकिस्तान के साथ, मेरा नाम हिफ्ज़त ताहिर है और हम लोग मौजूद हैं मियाँ महमूदुर रशीद के हलके NA 122 में। PTI को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, आया ये किसका प्रोपेगेंडा है? आवाम से पूछते हैं कि वोट किसको देंगे, PTI को या फिर PDM को? आइए मेरे साथ। खान साहब को इंशाल्लाह। खान साहब को क्यों वोट देंगे? सबको पता है किस लिए देने। आप देखें ना, एक बंदे के खिलाफ पूरी दुनिया है इस टाइम, पूरी दुनिया, पाकिस्तान की 14-15 जमातें उधर है, खान साहब एक तरफ है, वो एक सच्चा आदमी है, बाकी साहब चोर लुटेरे मिले हुए हैं तो मिले रहने दो उनको। आवाम के दिलो दिमाग से जितनी मर्जी ये लोग कोशिश कर दें, खान साहब नहीं निकलेंगे। खान ने इतना एतबार करके पार्टी टिकट दी, आज वही लोग खान साहब को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, क्या कहेंगे वो जितने प्रेशर में आके? खान साहब का आपने शायद ये भी बयान सुना होगा, वो क्या कह रहे हैं, ये लोग जो जा रहे हैं मुझे इनके साथ हमदर्दी है, इनके साथ खान साहब गुस्से में नहीं है। उनके अपने आप पे या किसी पे लोग बर्दाश्त कर लेते हैं जब उनकी फैमिली पर, अब हमारे मुल्क में शायद पहली दफ़ा ऐसा हुआ है लोगों की औरतों को लेकर जाया जा रहा है। अगर वो जिसको उठाना, अगर मैंने एक जुर्म किया ना तो मैं घर में नहीं मिला, मेरी बच्ची को उठा के ले जाएंगे, बीवी को उठा के ले जाएंगे, बांझे को उठा के ले जाएंगे। जुल्म है और जबर है, और इसके खिलाफ इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हमारी भी हैं या बाहर भी हैं, उनको इनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और पहली बात, आपके चैनल की तरफ से जो 9 मई को हुआ उनको हम नहीं सेटिस्फाई करते, वो काबिल मजम्मत भी है और जिन्होंने किया है वो लोग काबिल मरम्मत हैं, काबिल मजम्मत नहीं है, वो लोग काबिल, उनकी मरम्मत होनी चाहिए जिन्होंने किया है। इसमें बेगुनाह लोगों को नहीं पकड़ा जाना चाहिए। जैसा कि मैं अगर कुछ तोड़फोड़ कर रहा हूँ, आप सिर्फ देखने के लिए आई हुई हैं, उस देखने वाले को नहीं पकड़ना चाहिए, जिसने किया है उसको छोड़ना नहीं चाहिए और बेगुनाह लोगों को पकड़ना नहीं चाहिए। बेगुनाह लोगों को पकड़ के, डरा के, धमका के और कोशिश की जा रही है कि खान साहब की पार्टी में बैन लगाया जाए, ये सब चीज़ें गलत हैं। ये भी इलेक्शन से भागने का एक इनका तरीकाकार है जिसमें ये कामयाब नहीं होंगे। अगर खान साहब के बगैर इलेक्शन हुए तो आप देखिए टर्नआउट 9 से 10% से ज़्यादा नहीं होगा। खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो इस वक्त 70% है, आपको लगता है 70% की 71 अब 71 हो गई है, आपको लगता है 71% आवाम खान साहब के हक में स्टिल अभी तक है? मगर खौफ में बाहर नहीं निकलेंगे। अगर आप कहेंगे ना खान साहब आज कॉल देंगे, लोग सड़कों पे आ जाएंगे, वो इस चीज़ में वो लोग कामयाब हो गए हुए हैं। जो उनका मकसद था ना कि लोगों को डराना, लोगों के अंदर खौफ पैदा करना, लोग बाहर नहीं निकलेंगे। मगर जब भी वोट पड़ेंगे, ये साइलेंट वोट जो है ना, जैसे खान साहब को पिछली दफ़ा पड़ा था, पिछली दफ़ा 40+ हमारा जो टर्न आउट था, इस दफ़ा 50% यानी 50% से ऊपर भी वोट पड़ेंगे और उसमें से 40% खान साहब को पड़ेंगे, 10% अदर पार्टियों को पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। PDM की हुकूमत आती है तो मंजूर है? अभी भी लोगों को नहीं मंजूर, जब आएगी तब कैसे मंजूर होगी। अभी भी लोगों को आप पूछ लें कि इनके महंगाई का या किसी चीज़ का हर एक को पता है ये किस लिए आया था, इन्होंने कहा जी हमने खान साहब को इसलिए निकाला कि ये महंगाई है, महंगाई इनका मसला नहीं था, सबको पता चल चुका है। महंगाई मकाओ मार्च बिलावल साहब ने, बिलावल भुट्टो साहब काम पे टांग रही हैं किया था उन्होंने, मरियम नवाज़ ने किया था, मौलाना साहब ने किया था, महंगाई इनका मसला नहीं था, इनका मसला था अपने केसेस। आप देख लें जब से इनकी हुकूमत आई है इनके केसेस ख़त्म होने के अलावा इन्होंने आवाम का क्या सोचा है? अगर किसी ने कुछ सोचा तो आप बता दें। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। वोट किसको देंगे? हाँ जी, वोट किसको देंगे, PTI PDM? वोट असि तो उन्होंने देंगे जेडे हूँ आते। कौन आएंगे? कुड़ी होर कितने दी? फिर भी किसको वोट देंगे? नवाज शरीफ, ओ जेडे नवाज शरीफ हर आते, नवाज शरीफों को वोट देंगे। ठीक हो गया जी, आइए जरा और लोगों की तरफ चलते हैं, बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या चल रहा है। मेरे ख्याल से खातून है, उनके पास चलते हैं, क्या कहती हैं वो? अस्सलाम वालेकुम, वोट किसको देंगे? हम नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को क्यों, इमरान खान को क्यों नहीं? ये इसने कौन सा काम अच्छा किया है, सारे मुल्क को इतनी महंगाई में डाल दिया है और सारी चीज़ें महंगी हैं, कोई चीज़ खरीद नहीं सकता, कोई महंगाई की वजह से, महंगाई की वजह से। बिल्कुल ठीक हो गया। हाय, आवाम को तो बस चीज़ें सस्ती चाहिए और जहाँ जो चीज़ें सस्ती कर देगा आवाम उसके साथ है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि आवाम को हो क्या गया है। खैर करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम, वोट किसको देंगी? हाँ जी, किसी को भी नहीं। क्यों? PTI या PDM? वोट किसको देंगी, PTI या PDM? नॉट इंटरेस्टेड, थैंक यू। ओके, वोट किसको देंगे? तो को गिराने के लिए एक क्रिकेटर बंदा खड़ा हुआ है, आम बंदा जो इनसे किसी वक्त में इनामात भी लेता रहा है, कभी वर्ल्ड कप की सूरत में कप लेके आया पाकिस्तान के लिए, यानी कि अच्छा इंसान और कौमी हीरो, पूरी कौम का हीरो,
पाकिस्तान का नाम, ये सारी पार्टियां मिलके उस एक बंदे को गिरा पाएंगी। पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया हुआ है, वर्ल्ड कप जीत के लाया हुआ है, वो प्लेयर जिसने कैंसर के लिए लड़ाई की और एक अपनी वालदा के नाम पे अस्पताल बनाया, वही लोग हैं जिन्होंने ज़मीन भी दी थी और वही अब उंगलियां उठा रहे हैं। क्यों, वाए किस लिए? क्योंकि उसने पूरी आवाम को बता दिया है अपने हक के लिए लड़ो, अपने आप को देखो, अपने आप को पहचानो, आप लोग कहाँ पे खड़े हैं। मुल्क का पैसा मुल्क पे लगना चाहिए, कौम का पैसा कौम पे लगना चाहिए। तरक्की के नाम पे ये बातें करते हैं, तरक्की के ऊपर पैसा लगाते हैं, पहले जो सबसे लो तबका है उनको मकाना तो दें जिनके इन्होंने वादे किए हुए हैं। वो आज देखें नैब ने क्या किया है, नैब ने इनको, इन्होंने बंदे चेंज कर दिए ना, कि आते ही हुकूमत में, आते ही मसनू हुकूमत में, आते ही बनाते ही इन्होंने इदारों में से बंदे उठा दिए, अपनी मर्ज़ी के बंदे लगा दिए, अपने हक के फैसले लेने के लिए, अपनी मर्ज़ी के फैसले लेने के लिए। आज आशियाने में नैब ने कह दीजिए ये सुरखरू हैं, मुझे ये बात बताएं, इनके पुराने बिजनेस जो हैं, इनके पुराने असासाजात जो हैं उसके हिसाब से और इस वक्त के हिसाब से असासाजात कितने हैं इनके। अब हम लोग तो वैसे उसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे थे, हैंड टू माउथ, यानी कि कमाया और खा लिया, जोड़ने वाला सीन ही नहीं था। इन्होंने महलात तमीर किए हुए हैं, बाहर के मुल्कों में ज़मीनें ली हुई हैं, फ्लैट्स लिए हुए हैं, कारोबार लिए हुए हैं। पीडीएम की हुकूमत नामंजूर है, नामंजूर है जी, पूरी दुनिया को, पूरी अवते इन्होंने इदारों में से बंदे उठा दिए, अपनी मर्ज़ी के बंदे लगा दिए, अपने हक के फैसले लेने के लिए, अपनी मर्ज़ी के फैसले लेने के लिए। आज आशियाने में नैब ने कह दीजिए ये सुरखरू हैं, मुझे ये बात बताएं, इनके पुराने बिजनेस जो हैं, इनके पुराने असासाजात जो हैं उसके हिसाब से और इस वक्त के हिसाब से असासाजात कितने हैं इनके। अब हम लोग तो वैसे ही उसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे थे, हैंड टू माउथ, यानी कि कमाया और खा लिया, जोड़ने वाला सीन ही नहीं था। इन्होंने महलात तमीर किए हुए हैं, बाहर के मुल्कों में ज़मीनें ली हुई हैं, फ्लैट्स लिए हुए हैं, कारोबार लिए हुए हैं। पीडीएम की हुकूमत नामंजूर है, नामंजूर है जी, पूरी दुनिया को, पूरी आवाम को। बहुत शुक्रिया, हल्का N122 में मौजूद थे, आपने आवाम के रिव्यूज़ लिए, हमने जानने की भी कोशिश की, मिली जुली सी जो है हमें रिव्यूज़ मिले हैं। कुछ लोग पीटीआई के हक में हैं, कुछ कहते हैं हम फौज के साथ हैं, जिसने फौज के साथ ऐसा किया हम उसका साथ नहीं देंगे। कुछ कहते हैं कि जी हमने सारी हुकूमतें देख ली है, अब तो हम पीटीआई को वोट देंगे। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप किसको वोट देंगे, पीडीएम को या फिर पीटीआई को। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।